क्या आपको पता है कि पानी ताला को काट सकता है? मैंने क्या कहा? पानी ताला को काट सकता है एक स्पेसिफिक प्रेशर पे। और क्या आपको पता है कि इस ऑब्जेक्ट के एक ग्राम की कीमत 62 ट्रिलियन डॉलर्स क्यों है? और क्या आपने सुना है कि एक इंसान ने लॉटरी जीता, लॉटरी जीतने के बाद न्यूज वाले लोग घर पे आए कि हमें आपको न्यूज में दिखाना है, न्यूज में कवर करना है, और इसके लिए हमें आपका फुटेज चाहिए होगा, क्लिप चाहिए होगा न्यूज में दिखाने के लिए मेन स्ट्रीम टीवी पे, तो उसको रिएक्ट करने कहा जाता है कि ये लीजिए टिकट, आप इस पैसे नाटक करिए कि आप ऐसे स्क्रैच कर रहे हो ताकि ये क्लिप हम न्यूज में ऐसे दिखा सके। रिएक्ट करने को कहा गया, रिएक्ट कर रहा था तो वो नंबर भी मैच हो गया और लाइव टीवी पे वो फिर से लॉटरी जीत गया। और क्या आपने सुना है कि मरने के बाद भी पेशेंट्स को कितने दिनों तक रख के कई हॉस्पिटल सिर्फ पैसे के लिए ऐसा काम कर रही है? और एक बार एक शहर के ऊपर ऐसा कुछ दिखा कि एक हेलीकॉप्टर डायनासोर को लेके जा रहा है, बहुत सारे लोगों ने पुलिस को कॉल करना शुरू कर दिया। क्या था आखिर ये? और आपने फॉर्मूला 1 रेस, कार रेस सुना होगा। क्या आपको पता है कि ये जो डबल डेकर बस होते हैं इनका भी रेस होता है? और एक लड़की का नाम, रुको पढ़ने दो, रोशन डियाटेली नेशिया उनेवेशन कोया स्कटिश विलियम्स, उसके माने क्यों रखा? ऐसे इंटरेस्टिंग बातों को आज आप इस वीडियो में जानोगे। वीडियो को अभी लाइक कर दो, 1 सेकंड लगेंगे, और वीडियो को पूरा जरूर देखना। फैक्ट नंबर 11, बोस्टन अमेरिका की एक अजीब सी घटना है। वहां पर एक म्यूजियम है, म्यूजियम ऑफ साइंस, वहां के लिए एक डायनासोर को ले जाया जा रहा था, एक डायनासोर के मॉडल को। और विश्व में पहली बार ऐसा हुआ कि मूवीज में ऐसा सीन नहीं दिखाते हैं गॉडजिला वगैरह में कि कैप्चर करके हेलीकॉप्टर से ले जा रहा है जानवर को, ऐसा कभी नहीं हुआ था इतिहास में। 1984 में लोगों ने देखा कि हेलीकॉप्टर से डायनासोर जा रहा है, बाबा ये क्या हो रहा है, तुरंत पुलिस को कॉल कर लिया कि क्या हो रहा है, कौन है, कौन क्रिमिनल है, क्या है क्या है, पूरा बोस्टन पूरा शहर पैनिक में आ गया। बाद में पता चला ये म्यूजियम का एक डमी है जो कि वो लोग ले जा रहे हैं, और इतने अजीब तरीके से ले जा रहे हैं हेलीकॉप्टर से लटका के, बाय चांस उसका अगर वायर टूट जाए, कट जाए बाय चांस, और वो किसी के ऊपर गिर गया और वो मर जाता कोई अगर, तो शायद हम लोग पहली बार कहते हैं कि डायनासोर ने इंसान को मार दिया। बहुत डार्क जोक था, लेकिन समझो कि ये उस टाइम ये जो लॉ था उतना सीरियस नहीं था। ये लोग ले गए टांग के डायनासोर को, 500 किलो वजन के डमी को, ये शहर के लिए खतरनाक था बहुत। फैक्ट नंबर 10, क्या वो पता है कि 1982 के पहले यूके में डबल डेकर बस का रेस होता था? जैसा कि आप इस क्लिप में देख सकते हो कि डबल डेकर बस का रेस हो रहा है, ये पता नहीं मुझे फनी क्यों लग रहा है इतना। उसके बाद इस चीज की ऑडियंस लॉन्ग टर्म में उतनी गैदर नहीं हो पाई। देखो कोई भी चीज, कोई भी शो वगैरह कुछ भी सस्टेन तभी करता है जब उसका ऑडियंस मेंटेन रहता है। ऑडियंस रहेगी नहीं तो उस चीज का कोई मतलब नहीं रहा, वो शो बंद हो जाता है। तो ये मोटे मोटे बस का जो रेस है इसके साथ भी ऐसे ही हुआ, नई ऑडियंस बन पाई ये चीज बंद हो गई, लेकिन फॉर्मूला 1 रेसिंग का अभी भी मैसिव ऑडियंस है। फैक्ट नंबर 9, बिल मॉर्गन एक इंसान का नाम था जिसके साथ एक ऐसी घटना हुई जो कि हम कहते हैं ना 1 in a million, वैसी घटना नहीं बल्कि 1 in a billion वाली टेक्निकल प्रोबेबिलिटी वाली घटना हुई। ये इंसान लॉटरी जीता, न्यूज वाले गए उसके पास ताकि वो स्टोरी को कवर कर पाए, उनको क्लिप चाहिए था ऐसे करके स्क्रैच कर रहा कार्ड, जनरल फुटेज जो कि न्यूज में शो कर सके। एक स्क्रैच टिकट दिया गया कि आप लो ये आपका टिकट है, अब आप नाटक करोगे उसको स्क्रैच कर रहे हो आप, तो किया, तो वो भी नंबर विनर नंबर से मैच कर गया और वो फिर से लॉटरी जीत गया। जो पहला लॉटरी जीता था उसने वो सिर्फ 20 लाख का एक कार जीता था, लेकिन दूसरी बार जब वो रीएनैक्ट कर रहा था तब जो कोइंसिडेंटली जीत गया वो 2.5 करोड़ था। उन न्यूज वालों के चलते उसने और 2.5 करोड़ जीत लिया। नाउ अब इस चीज की होने की चांसेस, ऐसा कभी नहीं हुआ पूरे धरती पे। ये जो स्पेसिफिक घटना है, लॉटरी जीतना, न्यूज वालों को आना, उनको क्लिप चाहिए था इसलिए रीएनैक्ट कराना और फिर से लॉटरी जीत जाना, ये फिर कभी नहीं हुआ इतिहास में। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है कि प्रैक्टिस आपको कितना परफेक्ट बनाता है? इस चीज के पावर को आपको जानना है तो आप ब्रूस ली के एक लाइन को सुनना। ब्रूस ली ने ये कहा था कि मैं उससे नहीं डरता जिसको 1000 तरह के अलग अलग टाइप के किक आते हैं, बल्कि मैं उससे डरता हूँ जिसने एक ही किक को 1000 बार प्रैक्टिस किया हो। मैं उससे नहीं डरता जिसको 1000 तरह के किक आते हो, मैं
मैं उससे डरता हूँ जिसने एक ही किक को 1000 बार प्रैक्टिस किया हो। यानी प्रैक्टिस जो होता है किसी भी चीज में, कोई चीज आप सीखना चाहते हो आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा है, झमेला लग रहा है, कौन सीखेगा, लेकिन आप करते रहोगे तो वो एक ना एक दिन आप इतने अच्छे से सीख जाओगे कि आपके लिए वो हलवा हो जाएगा। चाहे वो किसी स्किल की बात हो, दुनिया की कोई भी स्किल की बात हो। पत्थर पे अगर पानी गिरते रहेगा एक बूंद और कई सालों तक गिरता रहेगा तो वो पत्थर पे भी उसका मार्क बन जाता है और पत्थर कटने लगता है पानी से। तो पानी पत्थर कटना, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट पे जो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है, पानी वाला फैक्ट। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है कि 14.5 मिलियन PSI, ये एक ऐसा प्रेशर है जिसे किसी भी चीज के प्रेशर को PSI से मापते हैं। तो 14.5 मिलियन ये एक ऐसा टेक्निकल लेवल है PSI का, जितने स्पीड से अगर पानी निकले तो वो ताला को भी काट सकता है और दुनिया के किसी भी चीज को, डायमंड वगैरह को छोड़ के ऑलमोस्ट हर चीज को काट सकता है। ऐसा कहा जाता है कि हर इंसान उसी पानी के तरह होता है। जैसे आप हो, आपके अंदर भी ऐसा कोई टैलेंट होगा जो अनलीश नहीं हुआ है, तो आप अभी उसी नॉर्मल लिक्विड के रूप में हो। ऐसा लग रहा है क्या है, लिक्विड तो है, लेकिन जब उसी के अंदर एक ऐसी आग आएगी जैसे पानी के अंदर 14 मिलियन PSI पे जो छोड़ता है तो काट देता है किसी चीज को भी, तो ये इम्पॉसिबल सा लगता है। इंसान अगर ठान ले, आग रहे ना, कुछ भी कर सकता है। फैक्ट नंबर 6, आपने उन केसेस के बारे में जरूर सुना होगा जिसमें इंसान एक्चुअली में मर जाता है लेकिन वेंटिलेटर के पैसे वसूलने के लिए मरे हुए इंसान को भी कई दिनों तक वेंटिलेटर में रख दिया जाता है। ऐसे कई मेनस्ट्रीम मीडिया आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे जिसमें ऐसी चीजों की रिपोर्टिंग हुई है। यानी हमारे कंट्री में जो ये लालच है ये कई तरह के लॉजिकल चीजों को भी पास कर रही है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ऐसे कई केसेस अभी इमर्ज हो रहे हैं, किसी को कुछ है, कुछ हार्ट अटैक या कोई भी इमरजेंसी आई, अब वो इंसान अंदर थिएटर में मर जाता है। डॉक्टर्स को ये बात पता होता है लेकिन बाहर वाले को तो अलाउ नहीं करते अंदर, तो बाहर कहते हैं कि अभी हम लोग कर रहे हैं और 1-2 दिनों तक वेंटिलेटर में ही रखा जाता है उनको और 2 दिन बाद बताते हैं कि उनकी मौत हो गई है ताकि 2 दिन का खर्चा कम से कम उनका मिल जाए। और यही चीज कई हॉस्पिटल में 2 दिन नहीं बल्कि और 3-4 दिनों तक किया जाता है सिर्फ बिल के लिए, ताकि बिल पेमेंट मिल जाए उनको। इसलिए हॉस्पिटल्स जब यूज होते हैं कोई तो रेप्यूटेड हॉस्पिटल्स को ही यूज करना सही होता है, नहीं तो बहुत सारे छोटे लेवल्स का हॉस्पिटल है जो अपना ईयरली टर्नओवर, रेवेन्यू, पैसा, प्रॉफिट, जान की बात आती है इनको प्रॉफिट की पड़ी है, जस्ट बैलेंस शीट मजबूत करने के लिए ऐसे इल्लीगल काम करते हैं। मेरे ख्याल से हेल्थ का बिजनेस कभी भी बिजनेस की तरह नहीं दिखना चाहिए। प्रॉफिट कमाओ, क्यों नहीं कमाओ, हॉस्पिटल हो, इतना पैसा लगा के इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किए हो, कमाओ, लेकिन एथिकली कमाओ, मॉरली कमाओ। फैक्ट नंबर 5, ये लड़की जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो इसका नाम शॉर्ट में मैंने आपको इंट्रो में बताया था, लेकिन एक्चुअली में जो इसका नाम है उसमें 1000 अल्फाबेट्स है, 1000 से भी ज्यादा अल्फाबेट। चलो पढ़ना शुरू करते हैं। रोशन, डियर टेली, नेशिया, उने, वेशन, केशियन, नेस, आइमोंड, रिशिया, डस, कैरेन, क्यूएलेन, ड्रेस, कैश, एवनेटी, थेलेम, ये यू। नहीं पढ़ना मेरे को। अब इनसे कहा गया कि इतना बड़ा नाम क्यों रखा आपने, इनकी मदर ने कहा कि हमें रिकॉर्ड बनाना था, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए उन्होंने अपने डॉटर का नाम इतना लंबा रख दिया ताकि होता नहीं वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेम में उनका रिकॉर्ड हो सके। अच्छा, तो फिर तो ये दुनिया का सबसे इजी रिकॉर्ड है। अच्छा, मैं भी अपना नाम बदलता हूँ, राजेश कुमार नाम है ना मेरा, राजेश कुमार मत बोलना, आपसे सब मेरे को बोलेगा राजेश फली QESQ STVUXYZ। इतना कम क्यों, मैं 2000 नाम का लेटर अपने आधार कार्ड में लिखवा देता हूँ, बस बन गया वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में फिर अप्लाई करूंगा। ये तो एक लूप होल है, मतलब और एक इंसान बाद में आएगा वो 10,000 अल्फाबेट्स का नाम दे देगा, फिर और एक आएगा 20,000 अल्फाबेट देगा, रिकॉर्ड बनाने के लिए कुछ भी। फैक्ट नंबर 4, मैं जब एरोप्लेन्स पे बैठता हूँ तो आज मैं आपके साथ एक दिल की एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि एरोप्लेन में जब बैठता हूँ मुझे फोबिया फील होने लगता है, मुझे डर लगता है। ऐसे कोई खास डर नहीं होता है लेकिन जब मैं खिड़की से विंग्स को देखता हूँ तो जब टेक ऑफ कर रहा होता है या फिर जब बीच हवा में होता है ना तो थोड़ा सा हिलता है, विंग्स फ्लैप करता है हल्का सा, तो मेरे दिमाग में ऐसे कभी कभी आता है कि अगर ये विंग जो हिल रहा है डेंजरस लगता है, विंग टूट के निकल जाए तो क्या होगा, एक विंग निकल जाए तो क्या होगा, उसका नट बोल्ट ढीला रहा तो क्या होगा। ऑफ कोर्स ये बस बहुत अननेसेसरी थॉट्स है, इनका वास्तविक जीवन से उतना कुछ लेना देना नहीं है क्योंकि ऐसा नहीं होता है, विंग का नट बोल्ट ढीला थोड़ी होता है, पागल हूं मैं, लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है। बात यह है ना कि इतिहास में
एक बार, सिर्फ एक बार ऐसा हो चुका है। ये जो फोटो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, ये एक ऐसा प्लेन क्रैश का मोमेंट का फोटो है जिसमें एक विंग निकल जाता है। 1943 में मिसौरी, जो कि एक यूएस स्टेट है, वहां के सेंट लुइस में एक घटना हुई थी। रीजन भी यही पता चला था कि जो विंग्स का नट बोल्ट है वो ढीला था और जो प्री चेक होता है वही नहीं किया गया था। हालांकि 1943 के बाद अब 80 साल हो गए हैं, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ विंग वाला घटना। फैक्ट नंबर 3, आपको मैंने पिका के बारे में बताया था। पिका एक ऐसा बीमारी होता है जिसमें लोगों को कुछ भी खाने का मन करता है। अगर कुछ रखा हुआ है, जैसे फोन, पिन, लोहा का पाउडर बना के खाने का मन करेगा, ऐसा टाइप का माइंड हो जाता है। जैसे आपका कोई टेस्टी खाना इमेजिन करो, छोले भटूरे, बर्गर, पिज्जा, चिकन, कुछ भी इमेजिन करो, सुनने में मजा आ रहा है, टेस्टी वाला फीलिंग आ रहा है, खाना खाना मस्त। लोहा का पाउडर, एल्यूमिनियम का पाउडर, कील, लोहा का कील, ये सब चीज अगर आप किसी पिका वाले इंसान के सामने जाके बोलोगे तो ऐसे करेगा, वो डिसऑर्डर ही ऐसा होता है। जैसे कि आप इस इमेज में बहुत सारे चीजों को देख सकते हो। ये है एक इंसान के पेट के अंदर से निकाला गया ऑब्जेक्ट कि क्या क्या उसने खा रखा था। शर्ट का बटन, नेल, पिन और न जाने क्या क्या उसने खा रखा था। फैक्ट नंबर 2, सेंट्रालिया पेंसिल्वेनिया, ये एक टाउन था, एक हंसता खेलता टाउन जो कि कुछ ऐसा दिखता था, लेकिन अब ये कुछ ऐसा दिखता है जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। तो ये जो बिफोर एंड आफ्टर का ट्रांजिशन है, ये आखिर क्यों हो गया? क्या हुआ कि 1962 में वहां का सबसे बड़ा लैंडफिल, जहां पर कचरा इकट्ठा होता था, उसको अथॉरिटीज ने जलाना चाहा। हर साल कचरा जलाते हैं ताकि वो ना रहे, लेकिन क्या हुआ कि कचरा का अमाउंट बहुत ज्यादा था और कचरा अंडरग्राउंड भी चला गया था। अंडरग्राउंड पाइप्स का काम हो रहा था, पाइप लगाने का, बहुत गहरा खोदा गया था, तो लैंडफिल पे आग लगाया तो पाइप और अंडरग्राउंड में जाके आग लग गया। और नीचे कोल माइन था, बहुत सामने ही कोयला था, उतना भी सामने नहीं लेकिन अच्छा खासा डिस्टेंस पे था, लेकिन लैंडफिल कचड़े वाले जगह पे आग लगाने के बाद वो किसी तरह कनेक्ट होके अंडरग्राउंड में भी चला गया और अंडरग्राउंड में जो भी कोयला कंटेंट है वो पूरा जल गया। और कोयले के खदान में जब आग लगती है तो वो 5 साल, 10 साल, 15 साल तक नहीं जलती, 60 साल, 70 साल, ऐसा उनका ड्यूरेशन होता है। तो जब ये चीज हुई, अब नेचर का प्रकोप, नेचर का ताकत तो बहुत है, आप जानते हो, इंसान कुछ भी नहीं उसके सामने, तो उसको बुझाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए कि किसी तरह अंडरग्राउंड का सारा फायर को हम बुझा सके। लेकिन वो पूरे शहर में अंडरग्राउंड में फैल चुका था, पूरा शहर ऊपर से नॉर्मल दिख रहा था लेकिन नीचे बर्न कर रहा था, सारे घर रिस्क पे थे, किसी भी मिनट वो धस सकते थे। फिर वहां के सारे लोग खाली कर दिए, और अभी आप वहां पे जाओगे तो 4-5 घर आपको आज भी मिल जाएंगे, कुछ लोग नहीं छोड़े हैं रिस्क होने के बावजूद भी, लेकिन अभी तक वो आग जल रही है। कब से? 1962 से लेके 2023 हो गया, अभी तक आग जल रहा है। और सबसे अजीब बात कि ये आग अभी आने वाले और 250 सालों तक, यानी 2250 या 2270 साल जब होगा, यानी आपका पर पोता जब 50 साल का हो जाएगा तब जाके ये आग बुझेगा। That's weird वाला गजब। Fact number 1, एंटी मैटर, आपने इसके बारे में कितना सुना है? एंटी मैटर बेसिक टर्म्स में क्या होता है, मैं एकदम सिंपली समझाऊं तो, ये जितना भी चीज आप देख रहे हो, चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई तारा हो, घर, धरती, सब कुछ जो भी दिख रहा है, ये सब मैटर है। सब कुछ को मैटर कहा जाता है साइंटिफिक लैंग्वेज में। एंटी मैटर इसका ऑपोजिट है, मैटर का ऑपोजिट एंटी मैटर। सिंपल समझ आ गया आपको? अब बात यह है कि एंटी मैटर हमारे यूनिवर्स में, दूर गैलेक्सीज में बहुत मात्रा में एग्जिस्ट करता है, लेकिन हम जो अपने आसपास देखते हैं ये मैटर है। और स्विट्जरलैंड में जो दुनिया का सबसे एडवांस्ड लेबोरेटरी है विज्ञान का, सर्न, जहां पर पार्टिकल एक्सेलेटर मौजूद है, मतलब परमाणु से वो लोग छेड़खानी करते हैं, वहां पर एंटी मैटर वो लोग बनाए हैं और इतने सालों के मेहनत के बाद कुछ नैनोग्राम्स ही बना सके हैं, बस। नैनोग्राम में भी 0.00001 नैनोग्राम। अब मैंने वीडियो के टाइटल और थंबनेल में जो लिखा है वो तो कम करके मैंने लिखा था कि कुछ समझ आया आपको, नहीं तो मैं 99,00,000,000,000 या फिर 5,00,00,000,000,000 लिखता तो वो समझ ही नहीं आता किसी को, इसलिए मुझे कम करके लिखना पड़ा। लेकिन अगर मैं आपको एंटी मैटर का वैल्यू बताऊं मॉनेटरी टर्म्स में, पैसों के टर्म में, तो वो है $62 trillion। इस दुनिया का टोटल पैसा अगर आप लाओ, टोटल वर्ल्ड GDP एक तरह से, तो वो 125 ट्रिलियन के आसपास आएगा आज
के वक्त में, मतलब टोटल 125 है और इस चीज का एक ग्राम प्रोड्यूस करने में 62 ट्रिलियन लग जाता है। यानी इस पूरे विश्व का सारा पैसा लाओ, एक जगह रखो मेरे पास, मैं उसका आधा यूज करूंगा, 62 ट्रिलियन डॉलर्स सारे पैसा का आधा, और फिर 25 साल बाद जाके आपको एक ग्राम एंटी मैटर दूंगा। इसका वैल्यू किस लिए पता है? एंटी मैटर वेपन्स। जहां पे कोई चीज में शक्ति दिखती है ना, इंसान को पता नहीं क्या खुजली होने लगती है, अननोइंगली इंसान उसको ऐसे काम में इस्तेमाल कर देता है कि पूरे दुनिया को खतरा में डाल देता है। न्यूक्लियर वेपन उसका एग्जांपल है। पहले के टाइम पे नॉलेज कम था लोगों को, 1800-1700 के टाइम पे। धीरे धीरे दुनिया एडवांस होते गई, हाई लेवल की नॉलेज आई, एटम्स के पावर को हार्नेस करने की नॉलेज आई, और हार्नेस करके बनाया क्या? न्यूक्लियर वेपन, जिससे कि हजारों नहीं लाखों लोग एक साथ मर सकते हैं। तो न्यूक्लियर वेपन जब यूज होता है तब उसका टोटल मास का 10% ही एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ऐसा आप मान लो। लेकिन एंटी मैटर जो है वो पूरी तरह से 100% एनर्जी गिविंग होता है। कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा ना, लेकिन देखो समझो आप, मतलब यही कहना चाहता हूँ कि अगर जैसे जापान पे बॉम्ब गिराया गया था तो वहां पर कितना डिवेस्टेशन हुआ था, कई केजी वेपन था उसमें। लेकिन अगर एंटी मैटर का अगर एक नैनोग्राम यहाँ पर गिरा दे, तो अगर फॉर एग्जाम्पल 1 या 2 ग्राम अगर यहाँ पर गिरा दूं अपने स्टूडियो पे, तो इसका असर आधे भारत तक हो जाएगा। जी हाँ, आपने सही सुना, आधे भारत तक। ऐसा इसलिए क्योंकि एंटी मैटर जब मैटर के साथ मिलता है, जैसे कि मान लो मैंने एंटी मैटर बना दिया, यहाँ पर है, ठीक है, ये जब मेरे हाथ पे ऐसे टच करेगा तो हाथ को ही गायब कर देगा, वो खुद भी खत्म हो जाएगा, मेरा हाथ भी खत्म हो जाएगा। और मैटर पॉजिटिव है, वो नेगेटिव है, एंटी मैटर, तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलाकर 0 बना देगा, एक दूसरे को एनहाइलेट कर देगा और ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकालेगा। तो इसलिए सर्न में जो साइंटिस्ट मैंने बताया, वो जो स्विट्जरलैंड में पाइप में एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, वो लोग 1 ग्राम का 1 बिलियंथ हिस्सा, यानी आप बोल सकते हो 0.00000001 उस लेवल का वो लोग एंटी मैटर प्रोड्यूस करते हैं और उस पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। और आज तक का सबसे हाईएस्ट देर तक वो लोग अगर किसी एंटी मैटर को रख पाए हैं तो वो 17 मिनट्स है। वो लोग लगभग 17 मिनट तक एंटी हाइड्रोजन एटम्स को रख पाए थे, मतलब 0.00001 वही नैनोग्राम का भी 1 बिलियन, इसको बनाने में 10 साल लगे और वो लोग कितने देर उसको रख पाए, वैज्ञानिक 17 मिनट। 17 मिनट बाद वो किसी न किसी चीज से टच होके एनहाइलेट हो गया और एक दूसरे को कैंसल आउट कर दिया। 17 मिनट ही इसलिए रोक पाए क्योंकि मान लो वैज्ञानिक ने एंटी मैटर बनाया, ठीक है, आप समझो एंटी मैटर बन गया, मेरे पास है एंटी मैटर, तो अब इसको अगर मैं रखना चाहूं किसी बॉक्स में तो उसमें रखूंगा, लेकिन क्योंकि वो बॉक्स मैटर का है तो वो तो एंटी मैटर है, तो दोनों एक दूसरे को एनहाइलेट कर देगा, दोनों एक दूसरे को 0 कर देगा। तो एक ऐसा बॉक्स चाहिए जो कि बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हो, मैग्नेट्स वगनेट्स लगे हो, जिससे कि वो बीच में ही फंसा रहे, ना हो किसी एज को। तो ऐसा कुछ बनाया उन्होंने और 17 मिनट तक रोक के रखा, लेकिन एंड में वो एक साइड आके टच कर गया और ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुआ। एंटी मैटर, ये इंसान के हाथ नहीं लगे तभी अच्छा है मेरे भाई। तो ये था आज के फैक्ट्स। वीडियो को लाइक जरूर करना और वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।